अच्छा बिलाल भाई, वो अपनी पहली जॉब का किस्सा तो सुनाए यार। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है भाई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन से पहले, मतलब इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट किया, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह थी और पैसे चाहिए होते थे, तो मैंने सोचा यार चलो कोई जॉब करते हैं। अब जॉब ढूंढी तो अल्हम्दुलिल्लाह लकीली एक रेफरेंस से एक जगह मुझे जॉब मिल गई बायर क्रॉप साइंसेज में। जो लोग पेस्टिसाइड से रिलेटेड है उन लोगों को पता होगा पेस्टिसाइड कंपनी। एक तो बायर वो है जो फार्मास्यूटिकल है, ये बायर क्रॉप साइंसेज है। अच्छा, बायर क्रॉप साइंसेज पे फील्ड ऑफिसर की मुझे भाई उन्होंने जॉब असाइन कर दी। अब जॉब तो मुझे उन्होंने दे दी 2500 रुपए पाकिस्तानी पर मंथ प्लस 300 रुपए मोटरसाइकिल के तेल के, 2800 रुपए सिक्का है राइजुल वक्त में मेरी वो जॉब हो गई। अब जॉब के जो टास्क थे वो बड़े गंभीर किस्म के थे और उसके मसले मसाइल भी बड़े ऊंचे और आली किस्म के थे। वो जॉब गांव के अंदर थी और मुझे गांव में जाके जो वहां पर काश्तकार थे उनको कन्विंस करना था कि आप ये वाली दवाएं खरीदो, ये वाली दवाएं आपकी इन इन फसलों पे बेहतरीन रहेंगी। अच्छा, पढ़ा लिखा मैं इतना नहीं था, जो क्वालिफिकेशन थी उस जॉब की उसमें मैं पूरा नहीं उतरता था, लेकिन मैंने ब्रोशर्स पढ़े, देखे कि कौन सी दवा किसके ऊपर कारगर साबित होती है, कौन सी किस सुंडी को मारेगी, कौन सी किस कीड़े को मारेगी। तो पढ़ पढ़ा के भाई हम पहुंच गया पहला दिन भाई जॉब का। भाई आपका खटाखट ले जाके मोटरसाइकिल रोक के ढांग लगाया, सलाम वालेकुम, काश्तकारों को इकट्ठा किया सबको। अच्छा, मुझे जो एक प्लस पॉइंट मिला ना उसमें वो ये था कि मेरी सिंधी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं जमीनों पे जाता था दादा के साथ शुरू से, तो वहां के जो हारी मजारे थे जितने भी वो सिंधी में ही बात करते थे, तो मुझे सिंधी सुट्टी अच्छी हुई मुखे सिंधी। सो वो सिंधी नेटिव थे सारे, उन्होंने कहा ओहो बाबा पांचो अमरा आयो है, कदे ज्वाइन कही ही हु हाल अहवाल करे। उनको मैंने थोड़ा सा दर्स दिया, भाई ये कंपनी है इस जैसी तो कोई कंपनी नहीं है भाई, बस सब अखीर है सुंडी वंडी नाम से, बस आप इसका बायर क्रॉप साइंसेस का सिर्फ बोर्ड लगा दो आपकी सुंडी खत्म खलास। अच्छा, दवाएं भाई उनको हमने कन्विंस करके ले आए दवाओं के ऊपर। अब पहला महीना गुजरा भाई सैलरी ना मिले, जो कुछ पास था जमा पूंजी जोड़ी हुई थी गल्ले वल्ले आगे पीछे सेटिंग मेटिंग करके जो रखे हुए थे मामला साइकिल वाइकिल बेच के, वो सब खत्म हो गया। अब तनख्वाह के लिए अब वो क्या हुआ, हमारी बदकिस्मती जिस टीएसओ ने हमें लगाया था वहां पे अपने पास, उस टीएसओ को उन्होंने फायर कर दिया। अब नया टीएसओ आ गया, अब नया टीएसओ अपने बंदे लाने के चक्कर में उस बंदे ने भाई हमें फायर भी कर दिया और बोला भाई आपकी सैलरी हैदराबाद ऑफिस आ जाना वहां देख लेंगे। अब भाई हम हैदराबाद ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, भाई सैलरी दे दो, सैलरी हमारी बनती है 2800 रुपए टोटल। अब उस 2800 के चक्कर में हमने तकरीबन कोई 1100-1200 रुपए का किराया भाड़ा खर्च कर दिया अपना आने जाने में, और बसों में मुर्गा बन के अलग जाना पड़ रहा था क्योंकि जगह होती नहीं थी। अच्छा, ये परेशानी और इस्तराब के आलम में अभी हम बैठे हुए थे कि हमारे एक दोस्त ने हमें बताया, भाई आप क्योंकि हैदराबाद आउट गोइंग कर रहे हो। अच्छा, ये किस्सा बताने का मकसद है कि अल्लाह ताला देखो शर्म से खैर कैसे निकालता है, ये बड़ा एक बेहतरीन किस्सा है समझ वालों के लिए। तो आप हैदराबाद आउटबैक कर ही रहे हो तो यहाँ पे एक ऑफिस है, इसके अंदर ऑटोकैड डिजाइनर की जॉब आई हुई, आप वहां पे क्यों नहीं अप्लाई करते। मैंने कहा ओके भाई बिस्मिल्ला। हम पहले पहुंचे वहां बायर के ऑफिस में, बायर से कोई मामला बने नहीं, फिर हम सीधे चले गए उस कंपनी के ऑफिस में। वहां जाके हमने कहा भाई हम आ गए आपके ऑटोकैड ऑफिसर की जगह, अली लड़का था वहां पे काम करता था, अब वो नहीं है, अब हम है। उन्होंने कहा अच्छा आपको ऑटोकैड आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आती जाती नहीं थी हमें ऑटोकैड कुछ भी उस टाइम तक। हमने कहा भाई हमसे बड़ा तो कोई चैंपियन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही है ना। अच्छा भाई, पहुंचे डायरेक्ट वहां से पता करके उनको करके इंटरव्यू का टाइम सेट करके उन्होंने कहा भाई ठीक है आप 3 दिन के बाद यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे हम ओपन, उसमें आप आ जाना। अच्छा भैया, हम पहुंचे 3 दिन के बाद इंटरव्यू देने वहां पे, तो क्या हुआ सुबह जाके बैठ गए, 9 बजे उन्होंने बुलाया था ऑफिस में। अब मेरे साथ कोई 6 लड़के और आए हुए थे, 3 इस तरह बैठे 2 इस तरह बैठे, इन 5ों का इंटरव्यू होगा शाम को 5 बजे तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अब मैं परेशान, भाई क्या हुआ इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, गया उठ के शाम को बोला कल आना। फिर पता चला वो जो 5 थे वो 3 इस तरफ 2 इस तरफ, उन 5ों के बंदे अंदर ऑफिस में मौजूद थे, मतलब पर्ची थी उनकी। हम मेरिट के शौकीन, मेरिट पे तो भाई बैठे हैं इंतजार में। अच्छा भाई, दूसरे दिन फिर चले गए, फिर यही हुआ, 4-5 लोग और आए हुए थे आसपास वालों के हो गए, हम बैठे हमारा नाम ही कोई नहीं पुकार रहा। उठ के गए खुद, हम अंदर गए, फॉरेनर्स थे उस ऑफिस के अंदर बैठे हुए, उनको हमने जाके रिक्वेस्ट की सर इस तरह से हम आ रहे हैं इंग्लिश में और हम नोबडी इज टेकिंग केयर एंड यू नो आई गॉट। तो उसने हमें कहा कि भाई आता है आपको, हमने कहा हमसे बड़ा चैंपियन ही कोई नहीं है। इस 3 दिन में मैंने वो ऑटो कैड की जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो सीख ली थी, एक टीचर को वहां पर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था बेसिकली, उसको ऑटो कैड आता था।
सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मामला थे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता था, उसके पास बैठ के बेसिक चीजें मैंने पूछ ली। और जब खुदा राहें खोलता है ना, तो ऐसी खोलता है कि इंसान परेशान हो जाता है। उस फॉरेनर ने सेम वही कमांड्स मुझसे, मतलब कोई 12 से 15 कमांड्स मैंने पूछी थी, स्केच, ड्रॉ, ट्राइंगल, रेक्टेंगल करने वाली और मेजरमेंट्स देने वाली, सेम उन्हीं 12-13 कमांड जो मैंने सीखी थी उसमें से 7-8 कमांड उसने मुझसे पूछी, वो मैंने उसको सब बता दी। उसने कहा, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा चैंपियन है, उसने तो भाई खटाखट भेजा और हमें ऑफर लेटर हाथ में दे दिया। उसी वक्त कहता मेरिट में भर्ती होनी चाहिए, हम तो मेरिट के इसके अपना नेपोटिज्म और ये जो अनमेरिट लोग भर्ती करते हैं इसके सख्त खिलाफ है, आप तो बहुत अच्छे हो। उसने भाई हमको दे दी वो वहां से जॉब ऑफर। अब देखो कहां हमने छोड़ी, 2800 के लिए जलील हो रहे थे, कहां अल्लाह ताला ने हमारी 15,000 की नौकरी लगा दी। 2007 की बात कर रहे हैं हम, 2007 की। सो इस तरह राय खुलती है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मतलब जिस रेफरेंस के मैं गया था ना, जिस बंदे ने मुझे बताया था, उस बंदे को मैंने कॉल किया ऑफिस के बाहर खड़े होके, क्योंकि जब इंटरव्यू हो रहे सबके मुझे बाहर कोई पूछ ही नहीं रहा, तो मैं एक दफा दिल बर्दाश्त हो गया, ऑफिस के गेट से बाहर निकल गया। उस बंदे को फिर वहां पे खड़े होके मैंने कॉल की। देखो डिफाइनिंग मोमेंट ये होती है। बंदे को मैंने वहां पे कॉल, यार भाई आपने मुझे बताया था यार आपका रेफरेंस भी अंदर, किसी को बोलो मेरा इंटरव्यू ले ले। उसने कहा भाई मेरा नाम नहीं लेना आपने किसी से, होता है करवा लो, नहीं होता खल्ली वल्ली, आपकी अपनी, आपका अपना मसला, आपकी अपनी जॉब। दिल पक्का करके वो जो फॉरेनर से अंदर में खुद जाके मिला ना, उसने अल्लाह के हुक्म से काम बना दिया। और अल्लाह ऐसे ही काम बनाता है। आप इस वक्त कितने भी परेशान हो, मतलब ये देखो 2007 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज 2022 है, 15 साल हो गए तकरीबन। 15 साल पहले क्या थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, मतलब मैं, मेरी औकात से बहुत ज्यादा है सब कुछ, अल्लाह पाक सबको दे। लेकिन आपने कभी भी इस तरह जब फंस जाओ ना, जब एक कोई सूरत ना नजर आ रही हो, तो उसमें से घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपना आप पूरा देना, बाकी राहें अल्लाह खोलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।